वो देख सकते हैं दूर में जो पहाड़ की परछाई दिखाई दे रही है वो परछाई नहीं है, असल में वो पहाड़ी है। फॉग की वजह से ऐसा हो रहा है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गुड मॉर्निंग तो आज है नहीं, आज शायद देखते हैं टाइम कितना है। सॉरी गाइस, अभी तो मेरे पास घड़ी नहीं है तो टाइम नहीं देख सकता। तो लगभग फ़ोन में देख के जितना पता चलता है कि 1 बज चुका है। तो अभी तो गुड मॉर्निंग नहीं है, गुड नून हो चुका है। सो घड़ी मैं जल्दी ख़रीदने वाला हूँ यूट्यूब के पैसे से। जब पैसा आने लगेगा तब घड़ी मैं ख़रीद लूँगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और बहुत दिन हो गया आप लोगों से बात नहीं हुआ क्योंकि छुट्टी था बहुत दिन, एक हफ्ते का छुट्टी था। अभी भी 3-4 दिन छुट्टी बाकी है तो इस टाइम पे कहीं जाना नहीं हुआ। और बेसिकली मैं ITI में पढ़ता हूँ तो कॉलेज भी बंद है, तो इसीलिए कोई वीडियो बना नहीं पाए। और ये साल का आखिरी टाइम चल रहा है, मतलब लास्ट टाइम है। अभी 2-3 दिन में ये साल भी ख़त्म होने वाला है। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना कहीं घूमने चलते हैं या फिर पिकनिक जो होता है साल के आखिरी टाइम में तो वो करने चलते हैं। तो मैं ऐसा सोच ही रहा था तभी मेरा एक कॉल आया। गेस करिए किस चीज़ का कॉल होगा। तो मेरा जो भैया है मामा जी के लड़का, तो उसका फ़ोन आया। वो कह रहा था कि उनका जो मामा जी का घर है, मतलब उसका जो मामा जी का घर है वो है बाकुड़ा में। तो वहाँ पे वो लोग जा रहे हैं, मतलब उन लोगों का फुल फैमिली घूमने के लिए जा रहे हैं और शायद पिकनिक भी हो सकता है वहाँ। तो वो कहने लगा कि अगर तुम चाहते हो तो मेरे साथ चलो। और मैं वैसे भी घूमने जाना चाहता था तो इसलिए मैं भी तैयार हो गया। तो आज इसीलिए निकल चुका हूँ क्योंकि आज जा रहा हूँ बाकुड़ा में। बाकुड़ा में एक कामिन वेदा नाम करके जगह है, मैंने भी कभी नहीं गया है, मतलब मेरा भी फर्स्ट टाइम है। तो अभी अंडाल मोड़ के सड़क जा रहा हूँ। मेरे भैया और जो मामी होते हैं तो वो दोनों निकल चुके हैं, मामा जी आने वाले हैं। उनके साथ मैं रानीगंज के साइड से जाऊंगा बाकुड़ा। 2 रोड्स हैं, मतलब 2 जाने वाले 2 रोड हैं, 2 वे हैं। एक दुर्गापुर के साइड से जाया जा सकता है और जो दुर्गापुर बैरेज पार करके जाते हैं वो दुर्गापुर के साइड में रहने वाले लोगों के लिए है। और इस साइड में रानीगंज के साइड से एक रोड है। तो हालांकि मेरे मामा जी उस साइड से भी जा सकते थे, मतलब बैरेज पार करके, लेकिन मुझे लेना था अंडाल मोड़ से, मुझे पिकअप करना था, इसीलिए हम लोग जाएंगे रानीगंज के रोड से, मतलब मेजिया क्रॉस करके रानीगंज के रोड से जाएंगे। तो मैं तो पहले कभी गया नहीं हूँ, एक्साइटेड बहुत हूँ क्योंकि वो जो जिस जगह मैं जा रहा हूँ वो टोटली गांव बोल सकते हैं आप, मतलब अभी डेवलप हो चुका है। बाकुड़ा भी बहुत डेवलप डिस्ट्रिक्ट है लेकिन वो एक गाँव ही है। तो देखते हैं गांव का माहौल कैसा है। मुझे बचपन से गांव के माहौल में जाना चाहिए था, मतलब जाने में अच्छा लगता था, सुन के मुझे अच्छा लगता था क्योंकि हमारे यहाँ भी गांव है लेकिन वो शहर के आसपास ही है, मतलब सेमी टाउन कह सकते हैं, नाम से ही बस गांव है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है और गांव के अंदर कैसा माहौल है वो भी देखते हैं। तो अभी अंडाल मोड़ के पास आ ही चुका हूँ, अभी चलता हूँ अंडाल मोड़ और देखते हैं मामा जी का बातें। टाइम तो वैसे हो चुका है उनका, 1:30 बजे उनका आने का टाइम है। अभी जिस बीच के ऊपर से हम लोग क्रॉस कर रहे हैं इसका नाम है मेजिया ब्रिज। सो इसके नीचे से जो नदी दिख रहा है आप लोगों को, ये बेसिकली दामोदर नदी है। और जिनको भी लगता है कि बाली ब्रिज बहुत ज़्यादा लंबा है वो ये आके चेक कर सकते हैं, ये ब्रिज भी कुछ छोटा नहीं है, 1 किलोमीटर से ज़्यादा इस ब्रिज का भी लेंथ होगा। और एक खासियत है कि इस ब्रिज के एक साइड में जाने वाले मतलब रोड है और दूसरे साइड में रेलवे ट्रैक भी है। इस साइड में देख सकते हैं रेलवे ट्रैक है। अभी ये जो रोड से हम लोग जा रहे हैं ये सालतोरा क्रॉस करके फिर बिहारीनाथ करके एक जगह है जहाँ पे बिहारीनाथ मंदिर, आप लोगों ने सुना होगा नाम, उतना भी फेमस नहीं है लेकिन फेमस भी है। सो उधर उस साइड में देख सकते हैं वेदर फॉगी है लेकिन फिर भी वो जो बिहारीनाथ पहाड़ जो है वो दिख रहा है। सो इस जगह को क्रॉस करते हुए हम लोग जाएंगे, अभी भी बहुत जाना है। तो गाइस अभी आधा रास्ते से ज़्यादा आ चुके हैं, अभी दूरजपुर के आसपास है। यहाँ से अभी 20 किलोमीटर जाना है फिर पहुँचेंगे जहाँ पे हमारा डेस्टिनेशन है। तो ये लोकेशन देख सकते हैं, मतलब बाकुड़ा घुस चुके हैं। ये पता चल रहा है कि आसपास में पहाड़ी इलाका है, मतलब ऊंचा ऊंचा जगह है, सब पहाड़ी इलाका तो नहीं कह सकते,
लेकिन समतल एरिया भी नहीं, मतलब प्लेन एरिया भी नहीं, इससे इस टाइप की जगह को मालभूमि टाइप कह सकते हैं। थोड़ा छोटा मोटा पहाड़ का एरिया है और थोड़ा प्लेन एरिया भी है। तो ये देख सकते हैं इंजीनियरिंग, मतलब इंजीनियर्स जो पहनते हैं हेलमेट, वो इंजीनियर वाला हेलमेट है। तो अभी चलते हैं, अभी 20 किलोमीटर बाकी है तो पहुँचते हैं। अभी तो 3 बजे के आसपास टाइम हो रहा है, 3:30 बजे में पहुँच जाएंगे, देखते हैं। चलिए, सो गाइज, एट लास्ट आधा घंटा हो चुका है, हम लोग आ चुके हैं जहाँ पे आना था। इस जगह का नाम है कामिनबाद, शायद इस टाइप का ही कुछ नेम है इस जगह का, जुड़ जाओ लगे सुनते, समझ रहे हैं। तो देख सकते हैं बैक साइड में, इधर देख सकते हैं ये धान जो होता है, मतलब राइस, वो राइस जब तैयार हो जाता है, मतलब खेत से जब काट के उसको खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद जो बचता है वो वाला चीज़ पीछे था, उसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, बंगाली में तो खौड़ कहते हैं, ठीक है। और देख सकते हैं कि इतना खाली खाली सा जगह, यही है गाँव का असली मज़ा जो मैं देखना चाहता था। मैं कभी भी, मतलब मेरे जन्म के बाद से मैं कभी भी गांव में आया नहीं। हमारे, हम जहाँ रहते हैं उस, वो जगह भी गांव ही है, मतलब नाम से गांव है लेकिन काम से नहीं है। ये जगह है असली गांव। और ये भैया है मेरे, जा रहे हैं देखिए। और एक ख़ास बात दिखाते हैं आप लोगों को, उनसे बाद में परिचय करवाते हैं। ये देखिए, हमारे वहाँ मतलब बहुत बड़े पानी की टंकी है, यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा टंकी है जिसमें से पानी आता है, शायद 24 घंटे सोलर, हाँ 24 घंटे सोलर सिस्टम से ही आता है। ऊपर देख सकते हैं सोलर सिस्टम है। और दूसरी बात कि यहाँ पे कुछ बड़ा पानी का टैंकी नहीं है, हमारे वहाँ पे क्या घर में सप्लाई होता है पानी, पानी के टैंकी से, यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। यही है गांव की खासियत, मतलब यहाँ पे जो लोग रहते हैं उन लोगों का ज़िंदगी तो थोड़ा हमसे ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मज़ा आता है। तो आके तो बहुत मज़ा है। अभी चल रहे हैं, उधर सामने नदी है, देखते हैं। वेदर तो बहुत अच्छा है और 4:30 बजे के आसपास टाइम हो रहा है, शायद थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है। तो देखते हैं कितने टाइम तक रोशनी जो है रहता है और कितने टाइम तक आप लोगों से बात कर सकते हैं। तो चलिए, ये देख सकते हैं, ही इज़ माय ब्रदर। चलिए आप लोगों को कुछ अच्छा चीज़ दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये जो रोड जा रहा है ये सीधा नदी की तरफ जा रहा है। और यहाँ पे भी शायद दामोदर नदी है क्योंकि बांकुड़ा है ये। और ये देख सकते हैं चारों साइड खेत हैं जहाँ पे फसल उगाए जाते हैं, मतलब ये सब जगह पे फसल उगाए जाते हैं। ऐसे भी कोई, मतलब कोई भी खेत ऐसा नहीं है जो यहाँ पे कुछ काम नहीं होता है, मतलब फसल नहीं उगाया जाता, ऐसा कोई भी जगह नहीं है। पूरा एरिया जो है यहाँ पर फसल उगाया जाता है। कितना खाली खाली सा जगह है देखिए। तो चलिए अभी नदी की तरफ चलते हैं। सुखाए अभी घर के अंदर बैठे हुए हैं। और इस वीडियो को आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं क्योंकि बाहर अंधेरा हो चुका है और अंधेरे में मैं वीडियो बन नहीं बनाता, ये आप लोगों को भी पता है। तो आप लोगों से मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, जहाँ पे पूरे गांव का मैं सराउंडिंग्स दिखाने वाला हूँ। सो बाय गाइस।